ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व सैनिक कल्याण समिति 23 सितंबर 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध दिवस की 54वीं वर्षगांठ के अवसर पर भाषा एवं संस्कृत भवन के सभागृह में राज्य स्तरीय वीर सैनिक सम्मान समारोह मनाया जाएगा। ये बात पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। पूर्व सैनिक कल्याण समिति 23 सितंबर 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध दिवस की 54वीं वर्षगांठ के अवसर पर भाषा एवं संस्कृत भवन के सभागृह में राज्य स्तरीय वीर सैनिक सम्मान समारोह मनाया जाएगा। ये बात पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर का आयोजित समारोह में कारगिल हीरो एवं हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर को सुबह 11 बजे युद्ध स्मारक बिलासपुर में 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि व 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। ये युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीर नारियों एवं सर्वोच्च युद्ध पदकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कमेटियों का गठन किया गया है तथा कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में उपायुक्त राजेश्वर गोयल, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, ADM विनय धीमान, उपमंडलीय दंडाधिकारी सदर नरेंद्र कुमार व सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल PS अत्री को बतौर वरिष्ठ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सैनिक कल्याण समिति 23 सितंबर 2019 को 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध दिवस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के रूप में बिलासपुर में मनाएगी। सर्वप्रथम युद्ध स्मारक बिलासपुर पर श्रद्धांजलि समारोह होगा, जिसके बीच में हमारे बतौर मुख्य अतिथि कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सैनिक कल्याण निगम हमीरपुर होंगे, जिला प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में निमंत्रण दे दिया गया है। उसके तुरंत बाद भाषा एंड संस्कृत भवन में 1965 में शहीद हुए सैनिकों की वीर नारियों एवं सर्वोच्च युद्ध पदकों से सम्मानित सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा और इसके लिए उन सब के सम्मान में बिलासपुरी धाम का भी आयोजन किया गया है ताकि उनके सम्मान में कोई कमी ना रह जाए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और सभी अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंप दी गई है।